हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त रोहित मनीष और मेरे साथ में है प्रिया। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं दिल्ली से दुबई और हम आपको दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप कि आप अकेले कैसे ट्रैवल कर सकते हो। मैंने सुना है कई लोगों को बहुत दिक्कत होती है अकेले ट्रैवल करने में। ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड। तो गाइस, आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस, हमने अपनी बैग्स चेक इन कर ली हैं। हमने यहाँ पे पूछा था कि दुबई दिरहम्स की करेंसी एक्सचेंज की रेट क्या है। लॉन्च का नाम है एनकॉम प्राइव, इसकी एंट्री ये आप सब एंजॉय कर सकते हैं सिर्फ ₹2 में। तो गाइस, पहले आपको दिखाती है स्नैक्स वेंडिंग मशीन, अब ये है पानी कोल्ड ड्रिंक की वेंडिंग मशीन। सो गाइस, हम एंटर हो चुके हैं एयरपोर्ट। क्या होती है सबकी एंट्री, भीड़ काफ़ी हो रही है गाइस। यहाँ पे सारे गेट्स हैं और मेंशन किया है कि ऑल एयरलाइन गेट्स 1-8 हैं। सो गाइस, हम एंटर हो चुके हैं और पहला चीज़ जब भी आप एंटर होते हैं आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन बोर्ड में देखना है कि आपकी एयरलाइन कौन सी है, एयरलाइन नंबर और आपका डेस्टिनेशन। तो वो आपको बता देंगे कि आपको कौन से गेट पे या तो फिर कौन से चेक इन काउंटर पे आपको बैगेजेस सबमिट करने हैं। ये इन्फॉर्मेशन देखने के बाद आप अपने काउंटर पे जा सकते हैं। जैसे हमारा ईजी है तो हम ई काउंटर पे जा रहे हैं। सो गाइस, हमें जाना है ईजी पे। अभी हम जा रहे हैं हमारे काउंटर की तरफ, वहाँ पे हम अपने बैग्स चेक इन करवाएंगे। पर पैसेंजर हमें अलाउड था 35 kg और हैंड बैग या तो फिर कैरी बैग है 7 kgs। ये रहा इंटरनेशनल काउंटर इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए। सो गाइस, हमने अपनी बैग्स चेक इन कर ली हैं। सो गाइस, हमने अपनी चेक इन करवा ली है, हमें अपने बोर्डिंग पास मिल चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं अंदर सिक्योरिटी चेक के लिए। गाइस, अभी हम जा रहे हैं सिक्योरिटी चेक इन के लिए। यहाँ पे काउंटर्स लगे हैं ऑल पासपोर्ट होल्डर्स के लिए। यहाँ पे इमिग्रेशन होती है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर फिर से चेक होंगे और आगे की इन्फॉर्मेशन हम आपको चेक इन बैग चेक होने के बाद ही बताएंगे। सो गाइस, हमारी सिक्योरिटी चेक इन बैग्स भी चेक हो चुकी हैं। अब हम जा रहे हैं दिल्ली ड्यूटी फ्री की तरफ। यहाँ पे आपको चॉकलेट्स, बेवरेजेस, वॉचेस, मेकअप आइटम्स, कॉस्मेटिक्स और स्लीपिंग बैग्स सब यहाँ पे मिल जाएगा। गाइस, हमने यहाँ पे पूछा था कि दुबई दिरहम्स की करेंसी एक्सचेंज की रेट क्या है, तो यहाँ पे बता रहे थे कि 24.9 आज की डेट पे है। अभी हम जा रहे हैं फूड कोर्ट की तरफ और यहाँ पर ये है लॉन्च। बिजनेस क्लास का अलग होता है और इकोनॉमिक क्लास के लिए अलग। गाइस, अभी हम जाने वाले हैं लॉन्च में। अगर आपके पास डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है तो आप भी यहाँ पर जाकर ₹2 में लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर कर सकते हैं। और हमारे पास हम भी आके जाके, हम नीचे थे जहाँ पर आपको दिखाया था एक्सचेंज, उसके बिल्कुल ऊपर ही है लॉन्च। ये है लॉन्च, लॉन्च का नाम है एनकॉम। हम लॉन्च में एंटर हो चुके हैं और यहाँ पर लगा हुआ है बूफे। सॉसेस हैं, ड्रेसिंग दे रखी हैं, अपना सैलड बना सकते हैं सैलड। और पीछे यहाँ पे 100 लाइव कुकिंग हो रही है, 100 मिल रहा है।
फ्रेश ऑमलेट, यहाँ पे नॉन वेज सेक्शन है, यहाँ पे सॉसेज, बॉयल एग और ये वेजिटेरियन दलिया भाजी, पाव भाजी है ब्रेकफास्ट में, इडली भी है, इडली सांभर जो डायरेक्ट आपको इडली मेकर से निकालना पड़ेगा, यहाँ बन रहा है डोसा, लाइव डोसा बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे है अल्कोहल, और यहाँ पे है सिटिंग, और यहाँ पे है ब्रेड टोस्ट, और ये है मशीन सामने जहाँ से होती है ब्रेड टोस्ट, उसके आगे कॉर्नफ्लेक्स, कपकेक, मफिन। सो गाइस हम लॉन्च एंटर कर चुके हैं और हमने अपनी प्लेट्स ले ली हैं। मैंने लिया है मसाला डोसा और ये है मिली है हमें और ये मिली है हमें रेड चटनी और कोकोनट चटनी, और मनीष की प्लेट है, इन्होंने लिया है पाव भाजी और इडली सांभर। तो हम टेस्ट करते हैं मसाला डोसा फर्स्ट, फिर डोसा। कभी टेस्ट बहुत अच्छा है पर थोड़ा ठंडा है, बट इट्स ओके, बट टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। मैं ट्राई करने वाली हूँ सांभर। वेरी नाइस टेस्ट। मेन चीज़ ये तो बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट कर रही है। अभी आई विल ट्राई पाव भाजी। यहाँ पे मिले हैं पाव और ये है भाजी, काफ़ी सॉफ्ट बंस हैं। इसको खा के तो सच में बताऊँ मुंबई की याद आ गई, बहुत टेस्टी है। और ये है इडली, ये थोड़ी मसाला इडली है, इसमें तड़का शायद मस्टर्ड सीड्स का दिया है, काफ़ी सॉफ्ट है। डिप कर रहे हैं हम सांभर से। बहुत अच्छा टेस्ट कर रहा है, पर मैं प्लेन इडली ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और गाइस ये आप सब इंजॉय कर सकते हैं सिर्फ ₹2 में। आपके पास या तो डेबिट कार्ड होना चाहिए या तो क्रेडिट कार्ड। सो गाइस हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है एनकॉम लॉन्ज में। हमें लॉन्ज बहुत इकोनॉमिकल और इनकी एम्बियंस बहुत अच्छी थी, खाना भी अच्छा था, बट आइटम्स थोड़े हमें कम लगे। जैसे हम प्रीवियसली आप मुंबई वाले में आपने देखा होगा, हम गए थे लॉन्ज में तो वो लंच टाइम था और बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ थे, बट यहाँ पे कुछ कुछ वेराइटीज़ थे और मतलब कुछ कुछ आइटम्स ठंडे थे। जैसे डोसा हमने जो खाया था वो गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है, बट कोई नहीं, बट टेस्ट बहुत अच्छा था। पाव भाजी सबसे बेस्ट थी और आपको भी आके ट्राई करना चाहिए। हर बार की तरह आज भी मैं आपको वेंडिंग मशीन रिकमेंड करूँगा। एयरपोर्ट में सबसे सस्ती चीज़ आपको यहीं पर मिलेंगी, और इस बार तो आपको मैं दिखाऊँगा स्नैक्स वेंडिंग मशीन। ये स्नैक्स वेंडिंग मशीन है, यहाँ पर आपको चिप्स और रोस्टेड मखाना, वेफ़र, बिस्किट, बनाना चिप्स, चॉकलेट्स भी हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं आपको। यहाँ पे आपको टच करना है तो आपको सारा मेन्यू लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पे। और प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल है, चिप्स का प्राइस है 40 और मखाने का है 30-49, बिस्किट 40 के, टॉफ़ी का पैकेट मिल रहा है 60 का, डेयरी मिल्क चॉकलेट 50 की। ज़्यादातर सब कुछ MRP जो बाहर का मिलता है उतने MRP का है। जैसे मैं मखाना ऐड करता हूँ, मैंने ऐड कर दिया, कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे UPI का आ जाएगा, UPI से पेमेंट होगी खाली। इसमें आप इसको स्कैन करेंगे तो आप पेमेंट कर पाएंगे और आपका स्नैक्स यहाँ से आपको यहाँ मिल जाएगा। पहले आपको दिखाती है स्नैक्स वेंडिंग मशीन, अब ये है पानी कोल्ड ड्रिंक की वेंडिंग मशीन। एयरपोर्ट में सबसे सस्ता पानी आपको यहीं पे मिलेगा ₹10 का, आप अगर फूड कोर्ट से लेंगे तो आपको ₹100 का, ₹120 का मिलेगा,
बट यहाँ से आपको 10 रुपये का मिलेगा। यहाँ पे पूरा मेन्यू दे रखा है, कोक, स्प्राइट, एनर्जी ड्रिंक, और कैन के प्राइस है 100 रुपीज़। और सिर्फ यहाँ जो पानी है 10 रुपये का आपको यहीं मिलेगा, आपको यहाँ ऐड कर देना है। जैसे मैं अभी एक बोतल चाहिए तो हम यहाँ पे आ रहा है, प्रोसेस जो पे करेंगे और हम करेंगे UPI से। अभी हम करेंगे UPI से स्कैन करेंगे। यहाँ पे अमाउंट करने पे करने का आ गया ऑप्शन, पेमेंट हो गई है और यहाँ से बोतल नीचे भी आ गई है। तो गाइस ये है हमारी पानी की बोतल, ठंडी 10 रुपये की, सबसे सस्ता और ठंडा पानी आपको एयरपोर्ट पे वेंडिंग मशीन पे ही मिलेगा। तो गाइस हम आ गए हैं अपने गेट पे। आपको भी अपने टिकट पे चेक करना है आपका कौन सा गेट है। जो हमारा गेट का सीक्वेंस था यहाँ पे आपको गेट मिलेंगे 1 से 14 तक, तो आपको अपनी टिकट पर चेक करना पड़ेगा। हमारा गेट नंबर है 4 जो हमारे पीछे है, 4 हमारे पीछे है। हम वहाँ जाके बैठेंगे और जब गेट खुलेंगे प्लेन में जाने के लिए तो हम अपना चल पड़ेंगे। तो गाइस ये है हमारा प्लेन जो हमें छोड़ेगा दुबई। गाइस ये हम प्लेन में एंटर हो चुके हैं। ये हमारा प्लेन, काफ़ी बड़ा प्लेन है। तो गाइस हम बैठ गए हैं अपनी सीट पे और स्क्रीन जो भी चलने दी है, देखते हैं चलती चलती बाद में। ये रिमोट दे रखा है यहाँ पे, ये टेबल है, और हमें मिले हैं हेडफोन जो आप घर ले जा सकते हैं। और हमें मिली है विंडो सीट। और यहाँ पे नेक रेस्ट, वेज ब्रेकफास्ट मिला है, ठीक है। और यहाँ पे पानी की बोतल मिली है, ये मैं कटलरी से शुरू करती हूँ। ये है यहाँ की कटलरी, स्पून, फोक एंड नाइफ। ये यहाँ के रिफ्रेशिंग वाइप्स हैं, एनरिच्ड विद विटामिन ई ऑयल, नाइस। यहाँ पे अमूल बटर, ये है बन, ये है फ्रेश फ्रूट्स, और मेन डिश खोल के देखते हैं क्या है आज। एकदम गरम गरम है, ये मिला है हमें उपमा एंड इडली सांभर। वाह, मज़े आ गए। तो मतलब गाइस हमने लॉन्च में भी इडली सांभर खाया था और यहाँ भी हमने इडली सांभर खाया है।
एयरपोर्ट और यहाँ पे ट्रेन आएगी बैगेज रिक्लेम के लिए जो अराइवल्स हैं। ये कोई नया सिस्टम है हमें, तो देखते हैं कैसे हाल होता है। ये आ गई ट्रेन गाइस। हाय गाइस, हम पहुंच गए हैं दुबई एयरपोर्ट और हमारा चेक इन हो गया था इमिग्रेशन काउंटर पे। वहाँ पे सिर्फ पासपोर्ट और वीज़ा की कॉपी देखी, बस स्टैम्प लगा दिया और हमें फ्री सिम भी मिला है। ये सिम दिया? हाँ, जो वर्क करता है सिर्फ आज के दिन पे फॉर 24 आवर्स। और रिचार्ज करने की इन्फॉर्मेशन आपको पीछे बता रखी है, वो देखेंगे तब रिचार्ज कर पाएंगे। हाँ, और उसके बाद हमें एंटर होने दिया बैगेजेस हमारे लेने के लिए। सो गाइज, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन बोर्ड पे लिखी होती है कि कहाँ पे कौन से नंबर पे आपके बैगेजेस। हमने अपनी बैगेजेस ले ली है, अब हम एग्जिट करने वाले हैं। तो गाइज, हमारे सामने एग्जिट और ये था आज का पूरा टूर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यूज़फुल लगी होगी, तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय।